हवा में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। ये शब्द ये ट्वीट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर महिला नेता स्मृति ईरानी की तरफ से, जब उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया था। और अमेठी की सांसद बनने के बाद स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र को नए नए उपहार दे रही हैं, नई नई सौगातें दे रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बड़ा फैसला ये लिया कि वहाँ पे जो आलू के जो किसान हैं उनको लेकर भी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आने वाले वक्त में उनकी आय तो बढ़ेगी, साथ ही साथ उनके आलूओं की उत्पाद बढ़ेगा और एक नए तरीके के वो आलू पैदा कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी वहाँ पे मुश्किलात का हल निकालने की कोशिश की है, कई योजनाओं का उन्होंने जो है शिलान्यास किया है, और ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में वहाँ पर सुधारी जाएंगी, चाहे वो सड़कें हैं, बिजली हैं, या फिर महिलाओं की सुरक्षा है, या पानी की समस्या है। बहुत सी ऐसी बातें जिस पर स्मृति ईरानी लगातार जो है मंथन कर रही हैं, और वो हमेशा हर महीने अमेठी के दौरे पर पहुंची भी रहती हैं। अब ऐसे में जिस तरह से अमेठी के लिए स्मृति ईरानी का लगाव हमने 2014 से देखा था, राहुल गांधी के सामने हार तो गई थी लेकिन फिर भी उनका वो प्यार अमेठी के लिए कम नहीं हुआ, और डोर टू डोर कैंपेन जो उन्होंने 2019 में किया उसके बाद से राहुल गांधी चारों खाने चित्त हो गए और उन्हें वायनाड की सीट भी पकड़नी पड़ी। तो ऐसे में सोच जिस तरह से स्मृति ईरानी का दबदबा बढ़ा है बीजेपी में राहुल गांधी को हराने के बाद, अब इसके बाद ऐसी भी बातें कही जा रही कि क्या सोनिया गांधी को भी हराने का मानदा रखती हैं स्मृति ईरानी, कि अमेठी से जब राहुल गांधी हार सकते हैं तो रायबरेली से सोनिया गांधी क्यों नहीं हार सकती हैं। तो क्या आने वाले वक्त में पीएम मोदी अमित शाह स्मृति ईरानी को रायबरेली से भी चुनाव लड़वाने का फैसला ले सकते हैं, और क्या वाकई रायबरेली से स्मृति ईरानी सोनिया गांधी को हरा पाने में कामयाब हो पाएंगी। बात करूंगी एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर के साथ। सर, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जिस तरह से अमेठी को लेकर, मैंने जितना वॉच किया है, बहुत लगातार काम कर रही हैं, वो चाहती हैं जैसे एक होता नहीं प्यासे को पानी मिल जाना तो पानी ही पीते जाता है, तो वैसे ही स्मृति ईरानी कर रही हैं कि उनको सांसद बनने का शौक था, वो सांसद बन गई हैं, तो अब वो अमेठी की जनता के लिए बहुत काम कर रही, गौरीगंज में घर भी बनवाएंगी ऐसा भी उनका मानना है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में सोनिया गांधी के को भी मान दे सकती हैं? नहीं, बिल्कुल। और अमेठी के बारे में बिल्कुल आपने जिक्र किया है कि अमेठी में लगातार वो न सिर्फ काम करवा रही हैं बल्कि अगर आप देखें जब वो हार गई थी तो सिर्फ हार के अपने घर वापस नहीं आ गई, यानी कि दिल्ली वापस नहीं आ गई, बल्कि वो अमेठी में रही, बार बार गई, बार बार दौरे किए, लगातार लोगों से मिली, और उनके बारे में लगातार लोगों ने ये तक भी कहा जो विपक्षी खेमे थे कि वो पिकनिक करने के लिए यहाँ पर आती हैं, यानी कि घूमने फिरने के लिए आती हैं फिर अपने वापस चली जाती हैं। लेकिन देखिए जरा उनका सियासी जिस तरह से गणित था, जिस तरह से उनका रुझान था और पूरे तरह से उन्होंने जो विकास बिछा रखी थी वो बड़ी जबरदस्त थी और उनके काम आई और लगातार वो लोगों के संपर्क में ही, लगातार लोगों से बात की। और हार के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात गायत्री यही होता है कि तमाम सारे जो सांसद या जो उसके प्रत्याशी होते हैं जो सांसद बनने के लिए होते हैं वो अगर अपने चुनाव में हार जाते हैं तो वो हार कर वापस हो जाते हैं, वापस फिर नहीं जाते वहां पर। लेकिन ये देखिए कि स्मृति ईरानी लगातार वहां पर बनी रही, लगातार काम किया, लगातार वहां पर लोगों के संपर्क में रही, और देखिए उसका नतीजा सामने आता है कि वो राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े लीडर को, जो अध्यक्ष भी थे उस समय कांग्रेस के, उनको हराती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पीएम पद का चेहरा भी थे गायत्री। ऐसे शख्स को हराना वाकई बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लोग नहीं मान रहे। सिद्धू ने कहा था, तमाम बातें कही थी कि अगर वो हार जाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन खैर वो एक अलग तरह का मजाक हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, लगातार आप अपने क्षेत्र में अगर टाइम देते रहें, लगातार लोगों से संपर्क अगर करते रहें तो चाहे आपके सामने कितने बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, कोई कितने बड़ा चेहरा क्यों ना हो, आप उसको हरा सकते हैं। और अब रही बात आप कह रहे हैं कि रायबरेली, बिल्कुल गायत्री इसमें क्या संकोच हो सकता है कि जो स्मृति ईरानी अगर अमेठी में चुनाव जीत सकती है इतने बड़े अंतर से तो वो क्या रायबरेली का रुख नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहेंगी और आने वाले दिनों में। लेकिन पार्टी उनको क्या फैसला करती है, पार्टी उनको क्या आने वाले दिनों में किस सीट से लड़ाती है, जो खासकर अभी 2024 में चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ होगा, ये तो खैर हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जाहिर बात है कि उनके अंदर हौसला बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, दो तीन चुनाव हारने के बावजूद भी उनके अंदर उनका विश्वास डिगा नहीं, तमाम लोगों ने कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव के लिए बनी ही नहीं है, यानी कि पब्लिक वोटिंग के लिए बनी ही नहीं, उनको नहीं चुना जाएगा। लेकिन देखिए सर, उनका आत्मविश्वास कितना लवरेज होंगी वो, कि ना सिर्फ पार्टी ने सपोर्ट उनको किया बल्कि वो खुद भी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी, इतनी ज़्यादा मेहनती थी कि वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करती रहीं और अमेठी से ही चुनाव लड़ा। चाहती तो किसी और सीट से अपना भाग्य आजमा सकती थी लेकिन नहीं, उन्होंने वहीं पर जहाँ काम किया है वहीं पर उनको इतना भरोसा था कि उनके काम पर लोग वोट ज़रूर करेंगे। और देखिए यही नतीजा सामने आया कि उनको तोहफे में जीत वहां से मिली। और सही बात है, आपने सही कहा, अगर वायनाड अगर राहुल गांधी नहीं गए होते तो शायद आज संसद में भी वो नहीं होते, तो ये एक अलग तरह का मसला है। कि हाँ, सोनिया गांधी के बारे में आपने जिक्र किया तो जरूर मैं बात करना चाहूंगा गायत्री की। पिछली बार ही उनके बारे में बात हो रही थी कि शायद वो चुनाव ना लड़ें और
लेकिन इसे मजबूरी कहें या पार्टी की शायद उनसे गुजारिश कहें कहा जाएगा कि वो वापस आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, हालांकि जीतती हैं लेकिन अगली बार क्या वो दोबारा खड़ी हो पाएंगी कि दोबारा लड़ पाएंगी, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी क्योंकि उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है। वाकई उनका स्वास्थ्य तो बेहतर नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली की सीट से जीतती आ रही है और उससे पहले भी यहाँ पे गांधी खानदान का ही दबदबा रहा है। गांधी खानदान का रायबरेली हो या फिर अमेठी हो या फिर सुल्तानपुर हो, इन तीनों ही संसदीय क्षेत्र से एक अपना जुड़ाव रहा है। हालांकि अमेठी तो खो चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने अभी जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अमेठी की जनता से हमेशा ही लगाव रखूंगा, एक बार फिर से वापस लौट कर आऊंगा अमेठी। फिलहाल रायबरेली की अगर बात करें, रायबरेली में अगर विकास को लेकर बात करें तो शायद सोनिया गांधी के विकास पर कोई उंगली उठी नहीं है, इसी वजह से शायद सोनिया गांधी वहां से लगातार भी जीतने गए थे। ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट इलेक्शन में अगर हम बात करें 2019 की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा बीजेपी ने उनके खिलाफ नहीं उतारा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि जो बड़ा उनके नेता है, बड़े उनके जो चेहरे हैं उनके खिलाफ बीजेपी भी नहीं जाना चाहती मेरे ख्याल में, और यही वजह है कि बड़े अंतर से वो जीत गई। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ अगर देखें तो स्मृति जैसा बड़ा चेहरा उनके सामने मौजूद था, जो भले ही पिछली बार भी हार गई थी लेकिन जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का, लेकिन इस बार जब स्मृति का आप जीत का अंतर देखिए बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो यानी कि ये अलग तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या सोनिया गांधी दोबारा चुनाव लड़ना चाहेंगी या राजनीति में रहना चाहेंगी, क्योंकि मजबूरन बस उनको एक बार फिर कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना तो दिया गया है, लेकिन कब तक वो इस पद पर रहती हैं, क्या आने वाले दो तीन साल या तीन साल वो इस पद पर रहती हैं या कुछ समय के बाद वो रहकर इससे हट जाती हैं, ये भी देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ज़रूर इस तरह की सुबहघाट होगी, ज़रूर इस तरह की बातें होंगी कि अगर स्मृति ईरानी अगर राहुल गांधी को हरा सकती है तो वो सोनिया गांधी को भी हरा सकती हैं। लेकिन आने वाले वक्त में तो ये भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी अगर नहीं सही तो बीजेपी, ये भी राजनीति करने बहुत तेज है बीजेपी, हो सकता है गांधी वर्सेस गांधी यानी मेनका गांधी को रायबरेली भेजकर सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ा कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। जी हो सकता है, वो कयासों का दौर तो हमेशा लगता रहा है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि आपको कैंपेन करने के लिए भेजा जा रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था इंटरव्यू में कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता है हम, हमें जो बीजेपी आदेश करेगी हम वो करेंगे। बिल्कुल, मेनका गांधी के प्रियंका गांधी के उसमें रैली में जब मेनका गांधी वहां से गुजर रही थी तो देखा कि बहुत भीड़ उनके साथ मौजूद है, तो ये सब रहा है और रहेगा। राजनीति में आप अलग अलग अगर पार्टियों से हो तो जाहिर बात है आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप तिकड़ी भिड़ा रहे हैं कि क्या मेनका गांधी और जिस तरह से सोनिया गांधी आपस में आमने सामने होंगी, खैर ये बहुत अलग तरह की बात है। लेकिन हाँ, मैं स्मृति बिल्कुल स्मृति ईरानी को मैं जरूर कह सकता हूँ कि वो जरूर नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की उनका आत्मविश्वास जरूर लबरेज हुआ होगा। वाकई आत्मविश्वास जरूर लबरेज हुआ होगा, लेकिन अब 2024 आने में तो बहुत समय है, लेकिन फिर भी कयासों का बाजार तो हमेशा ही गर्म रहता है और आने वाले वक्त में अब जिस तरह से सोनिया गांधी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, ऐसे में हो सकता है 2024 का लोकसभा चुनाव वो ना लड़े। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर स्मृति ईरानी का होदा जबरदस्त बढ़ रहा है बीजेपी में और आने वाले वक्त में अगर सोनिया गांधी को मात दे भी देती हैं 2024 में तो ये भी उनके लिए काबिले तारीफ होगा और उनकी एक उपलब्धि में बहुत बड़ा नाम भी जुड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल देखना होगा पार्टी आला कमान क्या फैसला लेता है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई स्मृति ईरानी हरा पाएंगी सोनिया गांधी को। नमस्कार।